हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट एंड गाइज, ईयर वी ऑफ द ऑल न्यू 2024 टाटा टियागो एक्सटी सीएनजी आपके सामने खड़ी है। गाइज, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये आपके सामने खड़ी हुई है। सीएनजी में काफ़ी बढ़िया माइलेज भी, ठीक प्राइस पॉइंट पे भी, अंदर फीचर्स भी ठीक मिलता है, स्पेस भी बढ़िया है, सिटी में इजली राइड कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। एक एक चीज़ इस व्हीकल के बारे में फुल डिटेल रिव्यू इसका करने वाले, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स प्राइस पॉइंट वेरिएंट कलर ऑप्शन हर एक एक बात इस व्हीकल के रिगार्डिंग करने। अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं भाई टाटा टियागो लेने की, वीडियो तक बने रहेगा, इस व्हीकल से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 2024 में कितनी ज़्यादा ये बढ़िया गाड़ी है एंड किस प्राइस पॉइंट पर आती है, हर एक एक बात इस वीडियो में लोग करने वाले हैं। एंड अगर चैनल पर नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन में छपाने के लिए। वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, टाटा की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल इस शोरूम पर आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। गाइस, की से तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है भाई, अपने टियागो एक्सटी सीएनजी में 3 बटन्स मिल जाते हैं भाई, अपने लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प के, एंड पीछे गाइस अपने को मिल जाता है टाटा का लोगो। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट के बारे में। तो गाइस, टियागो ऑफर होती है 21 वेरिएंट एंड 6 कलर ऑप्शन के साथ। आपके सामने गाइस खड़ी हुई है एक्सटी सीएनजी, इसकी प्राइस आपको 7.35 लाख रुपीज़ एक्सोरूम कॉस्ट करेगी, मोटी मोटा ऑन रोड 8,40,000 तक चली जाती है। एंड गाइस, बेस मॉडल से टियागो ऑफर होती है 5.59 लाख एक्सोरूम एंड टॉप मॉडल तक जाती है 8.9 लाख एक्सोरूम। एंड गाइस, उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं अब इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो गाइस कुछ ऐसी ओवरऑल इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है काफ़ी बढ़िया सी। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपने को रेडियो एंटीना देखने को मिल जाता है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई वाइपर, एंड कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिल जाता है हुड जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नीचे आता है। एंड सिटी में राइड करने में इतनी कम्फर्ट रहती है व्हीकल, मतलब इतनी ईजी रहती है बिकॉज आप वेट देखेंगे, काफ़ी छोटी व्हीकल है और काफ़ी सबसे बढ़िया बात भाई हैचबैक में काफ़ी सेफ भाई ये अपनी व्हीकल है। बिल्ड क्वालिटी में देखते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी बढ़िया आती है। यहाँ पे गाइस अगर आप ग्रिल को देखते हैं तो पहले नया टाटा का लोगो अपने को टूडी वाला मिल जाता है, पियानो ब्लैक पे पूरा ग्रिल मिलता है, क्रोम इंसर्ट्स आपको मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो भाई अपना यहाँ से पूरा होते हुए एंड पूरा सेकेंड हेडलैम्प तक चला जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है टोइंग हुड का सेटअप, इधर अपने को मिल जाएगा नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, लोअर ग्रिल आप इसमें ब्लैक कलर में। गाइज, इस वेरिएंट में अपने को फॉग लैम्प नहीं मिलता, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का भी इंसर्ट्स देखने को मिल जाता है। बाकी काफ़ी बढ़िया सी ओवरऑल मिल जा रही है भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल। आ जाते हैं भाई इसके अपसाइड प्रोफाइल की तरफ। उससे पहले गाइज अगर हम लोग हेडलैम्प को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी है, हैलोजन सेटअप में हेडलैम्प मिलता है, वहाँ पे पार्किंग लाइट, यहीं पे आपको टर्न सिग्नल मिलेगा जो कि भाई अपना हैलोजन है। एंड ये भाई इसके ओवरऑल अपनी लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज पूरी बॉडी कलर अपनी व्हीकल मिलती है, बॉडी कलर टूर हैंडल्स बीडिंग रूप ब्लैक कलर का आता है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे अपने को जो व्हील है वो रिम्बेल ऑफर होता है, हालांकि दिखने में आपको येलो भी लगेगा, लेकिन गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है MRF का टायर एंड 175/65 सेक्शन टायर मिलेंगे विद 14 इंचेस ऑफ रिम व्हील, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डम ब्रेक मिल जा रहे हैं, फेंडर आप कुछ देखिए कुछ ऐसा मिल जा रहा है। एंड गाइज यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिल रहा है वॉल्यूम विद टर्न सिग्नल, बॉडी कलर टूर हैंडल्स वगैरह, ऊपर अपने को नॉर्मल रेडियो एंटीना मिलेगा, फ्यूल लो मिलेगा लेफ्ट साइड रियर फेंडर पे, 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी सीएनजी है तो 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी मिल जाती है सीएनजी में, एंड 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है पेट्रोल का। ये प्रॉपर इसकी रियर प्रोफाइल, स्प्लिट स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं आता, सीएनजी वोकल लोकल की इधर आपको ब्रांडिंग मिलेगी। टेल लैम्प को देखते तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस एलईडीज, टेल लैम्प को देखते तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में मिल जाता है भाई इसका ओवरऑल टेल लैम्प। एक बार मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो ब्रेक लाइट यहाँ पर आपको, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट सभी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो, टियागो लोगो की ब्रांडिंग, यहाँ पे फिजिकल कीनोप का सेटअप, टू यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई पार्किंग सेंसर, नीचे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, बाकी इसमें आपको रियर कैमरा नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ICNG की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड एक बार अगर इसके बूट स्पेस को देख लेते हैं, सो गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओवरऑल अप्रॉक्स समझेंगे तो 100 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जा रही है, बिकॉज यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो अपने को सीएनजी का ओवरऑल टैंक देखने को मिलेगा जिसकी 60 लीटर की कैपेसिटी है। एंड इधर अपने को हुक वगैरह मिल जा रहा है, 3 kg का यहाँ पे आपको लगेज कैरी करने के लिए होल्डर्स वगैरह मिलेगा। बाकी गाइस ये है प्रॉपर इसका, यहाँ पे हैंड बैग वगैरह रख लेंगे या फिर एक बैग बड़ा साइज़ का रख लेंगे, बहुत ज़्यादा तो बूट स्पेस नहीं आता। बाकी डिफॉगर वाइपर गाइस इस वेरिएंट में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेब कीज ऑफर हो रही है। एंड ये भाई राइट साइड प्रोफाइल, यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता, एंड सेंटर लॉकिंग देखने को मिलता है तो इसी से आपको लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। ये है इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल। एंड गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग डायमेंशन को देखेंगे तो ओवरऑल लेंथ 3765 mm की मिल रही है, विड्थ मिल जा रही है 1677 mm की, 1535 mm की ओवरऑल हाइट, 2400 mm की व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस अगर देख रहे हैं तो गाइस यहाँ पे आपको 168 mm की देखने को मिल जा रही है अपने टियागो में। एंड गाइस अगर बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग, ABS, CBD,
सेंट्रल लॉकिंग सीट बेल्ट वार्निंग इंजन इम्ब्रॉयडर आई शोफ साइड सीट माउंट एंड ग्लोबल एंड कैप के थ्रू इसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है या फिर ये अचीव की है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मिलनी है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स, फिजिकल की नोक एंड कुछ ऐसा ओवरऑल डोर पैनल देखने को मिल रहा है जहाँ पे ये सब चीज़ें हर प्लास्टिक आ रही है। पावर विंडो कंट्रोल, चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल रहा है। यहाँ पे लीवर वगैरह मिल जा रहा है। स्पीकर प्लेसमेंट बॉटल होल्डर, टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं। 2D का इन्फोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है। वॉल्यूम कंट्रोल, फैब्रिक सीट्स आ जा रही हैं। इंटीरियर पहले आप पूरा चेकआउट करिए इसका, काफ़ी बढ़िया। ग्रे एंड ब्लैक क्रोम इंसर्ट्स, पियानो ब्लैक के साथ इंटीरियर मिलता है। अभी अंदर चलेंगे, एक ही चीज़ की बात करेंगे। फैब्रिक सीट्स है, हेड रेस्ट दो हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट आ जाता है, सीट को प्रॉपर पूरा ही मैनुअल एडजस्ट करना है। अल्ट्रा वाइड कर लेते हैं एंड सीट को एक बार हम लोग पीछे कर लेते हैं भाई। अब चल रहे हैं इसके अंदर और डोर को कर लेते हैं एक बार क्लोज। कुछ ऐसा गाइस ओवरऑल अपने को डैशबोर्ड मिल जा रहा है टियागो में। बैठने के बाद ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई नीचे बैठे, काफ़ी ज़्यादा हाइट लग रही है व्हीकल, मतलब बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको पूरा ही डैशबोर्ड देखने, तो ये हार्ड प्लास्टिक सब ऊपर मिलेगा एंड की को निकाल लेते हैं बिकॉज गाइस यहाँ पे आपको फिजिकल की के थ्रू ही काम चलाना है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता। यहाँ पे आपको वेब कीज ऑफर हो रहे हैं। कुछ ऐसा गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल मिल जा रहा है अपने को फ्रंट का डैशबोर्ड जैसे ही आप अपने इग्निशन को ऑन करते हैं। यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंसोल को, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है। जहाँ पे गाइज इधर आप देखेंगे तो मिल जा रहा है टैकोमीटर, CNG एंड लो फ्यूल इंडिकेशन, लो बैटरी इंडिकेशन, लो ऑयल प्रेशर, रियल टाइम स्पीडोमीटर, ऑटोमीटर, ट्रिप मीटर। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज, CNG का अलग मिलेगा, पेट्रोल का अलग मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रिप वगैरह, काफ़ी सारी इन्फो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस स्टीयरिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे नया वाला टाटा का लोगो, यहाँ पे पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑडियो कंट्रोल वगैरह। टॉगल को देखूंगा राइट साइड में हेडलाइट्स कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल। एडजस्टमेंट को देख लेते हैं तो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे गाइस अगर देख रहे हैं तो अपने इसको ओपन कर लेने दीजिए। यहाँ पे पियानो ब्लैक क्रोम इंसर्ट्स मिल जा रहा है इस इवेंट्स में। यहाँ पे आपको कोई भी मतलब कंट्रोल्स नहीं मिलते, यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेस। आगे से ओड ओपन करेंगे, यहाँ पे पैडल्स वगैरह आ जा रहे हैं। यहाँ पे गाइस सेंटर कंसोल को आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एसी वेंट्स मिल जा रहा है, क्रोम इंसर्ट्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आप 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके साथ 4 स्पीकर मिल जा रहे हैं, CNG टू पेट्रोल। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन मिलता है, AC के कंट्रोल्स, मैनुअल AC है, USB पोर्ट, 12 वाट का यहाँ पे पावर सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। कुछ ऐसा गियर लीवर, हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, 2 कप होल्डर एंड गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है क्लब बॉक्स में स्पेस। ऊपर मैनुअल डेनिम IRVM मिल जाता है। ड्राइवर साइड वैनिटी मीटर मिल रहा है सनवाइजर में। ऊपर हैंडल मिल जा रहा है, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर। ऊपर अपने को माइक प्लेसमेंट, लाइट यहाँ पे आपको LED मिलता है ऊपर रूफ में, जो कि फर्स्ट टू सेकेंड रो दोनों को ही पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है रूफ। आप लोग देखिए एंड ये था भाई इसका ओवरऑल डैशबोर्ड अपने टियागो XT CNG का। एंड इसको करते हैं क्लोज। अब चलते हैं, अब देखेंगे सेकंड रूम में क्या चीज़ अपने को देखने को मिल जा रही है। ये नीचे अपने को स्पीकर प्लेसमेंट, मतलब स्पीकर आपको 2 आगे 2 पीछे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर, डोर हैंडल्स वगैरह सभी चीज़ देखेंगे तो भाई मिल जा रही है। पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल रहा है, स्पीकर प्लेसमेंट, 2 लीवर्स वगैरह, नीचे बॉटल होल्डर, फैब्रिक सीट्स हैं, हेडरेस्ट 2 हैं, पीछे दोनों फिक्स्ड, आर्मरेस्ट नहीं आता, रियर एसी वेंट्स नहीं आता। सेंटर पैसेंजर को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपको हम्प मिलता है, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। स्पेस को देखेंगे तो गाइस नी रूम वगैरह ठीक मिलता है, लेग रूम फुटरूम भी सही है, ठीक मिलता है, मतलब इस सेगमेंट के व्हीकल के लिए सही है। और आगे वाला सीट मैंने पूरे पीछे कर रखा है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको इतना बढ़िया नी रूम मिल जा रहा है। कुछ सेगमेंट कुछ व्हीकल्स में तो पूरी एकदम सड़ जाती है। अंदर थाई सपोर्ट इज डीसेंट, मतलब ठीक ठाक है। एंड अगर हेडरूम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सही हेडरूम देखने को मिल जाता है। और थोड़े से लॉन्ग हाइट के लोग उनको तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन बढ़िया है। यहाँ पर आपको हैंडल मिल जा रहा है दोनों तरफ एंड पीछे भाई अपने को थोड़ा सा बूट स्पेस। चलते हैं बाहर और इंजन भी ओपन करते हैं, देखते हैं क्या इंजन में पॉल एंड टॉक देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ से गाइस हम लोग अपना हुड ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको लीवर मिलेगा। इंजन भी ओपन करने के बाद गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल सीन मिलेगा। यहाँ पे आपको इंसुलेटर देखने को मिल जाता है, इधर बैटरी प्लेसमेंट, फ्यूज बॉक्स प्लेसमेंट मिल जा रहा है। ये भाई अपने ओवरऑल इंजन, यहाँ पे आपको वाइपर के लिए वॉशर फ्लूइड मिलेगा, इंजन ऑयल, इधर कूलेंट का सेटअप। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो 1199 cc 3 सिलेंडर BS6 Phase 2 इंजन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर 72.4 BHP की मिलेगी 6000 RPM पे एंड 95 NM की टॉर्क मिलेगी 3500 RPM पे। 27 km/kg तक की माइलेज दे देती है बिकॉज CNG है एंड CNG की कैपेसिटी मिल जाती है 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी एंड 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है।
सो गाइज ये थी भाई अपने टाटा टियागो XT CNG का फुल डिटेल रिव्यू। एंड अब इसमें गाइज अपने को अंदर टूरिन का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है इंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे आपको CNG की ब्रांडिंग मिल रही है फ्रंट विंडशील्ड पे, एंड कुछ ऐसा था इसका ओवरऑल वॉकअराउंड इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बूट स्पेस भी, मतलब एक तरीके से देखेंगे छोटा मोटा बैग रख लेंगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो उसको एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसकी प्राइस अप्रॉक्स आपको भाई 8.4 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।